सुप्रफास्ट न्यूज, मैं अभिषेक मिश्रा। हम पहुंच चुके हैं मऊ जनपद में और आइए जानते हैं, हमारे साथ एक शख्सियत हैं जो फाउंडेशन चलाते हैं, उनके बारे में और उनके परिचय के बारे में, उनके फाउंडेशन के बारे में आज हम जानकारी लेंगे। क्या नाम है आपका? सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद आपको कि तो अपना बहुमूल्य समय निकाल कर आए, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम इंद्रेश प्रजापति है और सामाजिक निदान वेलफेयर फाउंडेशन में राष्ट्रीय अध्यक्ष है। आपकी फाउंडेशन ये कहाँ ऑफिस है? देखिए, मैं एक्चुअली जनपद मऊ के मोहम्मदाबाद गोहरा कराने वाला हूँ और सामाजिक निदान वेलफेयर फाउंडेशन 4 वर्ष से काम कर रही है और 4 वर्षों से सिर्फ इसका एक ही उद्देश्य मिशन भी चल रहा है, शिक्षा स्वास्थ्य और सम्मान को बढ़ावा देना। और हमें लगता है कि ये तीनों चीज़ हर व्यक्ति जरूरत है, चाहे 10 साल का लड़का हो चाहे 60 साल का बूढ़ा हो। और बहुत कुछ बताने की जरूरत नहीं, सोशल मीडिया का जमाना है, आप देख सकते हैं कि मैंने जो शिक्षा क्षेत्र में, स्वास्थ्य क्षेत्र में इतने कार्यक्रम किया हूँ और आने वाले दिनों में मेरा कार्यक्रम चलता रहेगा। आपका फाउंडेशन क्या क्या करता है? हमारा फाउंडेशन सामाजिक निदान फाउंडेशन शिक्षा को, स्वास्थ्य को बढ़ावा देता है और शिक्षा संबंधी, स्वास्थ्य संबंधी लोगों को सुविधा उपलब्ध करवाती है और शिक्षा संबंधी, स्वास्थ्य संबंधी अवेयरनेस का प्रोग्राम चलाती है। यानी शिक्षा स्वास्थ्य में जो भी लोगों को सुविधा चाहिए वो जो है यहाँ से लेता है। शिक्षा में क्या क्या सहयोग करती है? शिक्षा में जो है बच्चों को जाकर प्रवेशन कराते हैं, किसी विद्यालय किसी काम रुका है, शासन प्रशासन काम नहीं हो रहा है, यानी कहने का मतलब शिक्षा संबंधी जो भी काम हो जहाँ तक होता है हमारा फाउंडेशन पूरी टीम के साथ जो है मदद करता है। स्वास्थ्य संबंधी क्या है? स्वास्थ्य संबंधी जो है निःशुल्क कैंप लगते हैं हॉस्पिटल में, जो है किसी मरीज से जो मनमानी हो रही है, किसी गरीब पर किसी गरीब परिवार का जो है इलाज नहीं हो पा रहा है, यानी स्वास्थ्य में जो भी समस्या होती है जहाँ तक होता है संस्था जो है मदद करती है। क्या समझ कर आपने सामाजिक जो आपका जो है फाउंडेशन है उसका नाम आपने रख लिया? देखिए, बस एक जुनून है समाज के लिए कुछ किया जाए और ये जीवन जो है बार बार नहीं मिलने वाली है। इसी के साथ मैं जो है अपना आज के जो है 4 साल पहले इसको शुरू किया और आज ऐसा कोई जिला नहीं है जिस जिले में हमारा संगठन न हो और हमारे कार्यकर्ता पदाधिकारी न हो। कितने जिले में आपका संगठन चल रहा है? उत्तर प्रदेश के पूरे 75 जिले मेरा संगठन है और खासकर पूरे पूर्वांचल में हमारा संगठन जो है मजबूत है। और रोज़ तो नहीं कहेंगे, हफ्ते में कह लेंगे कि हमारे संगठन में मेरा कार्यक्रम होते हैं। ये क्या क्या वो लोग करवाते हैं आपके संगठन के लोगों? जिले में कितने सदस्य होते हैं? पूरे उत्तर प्रदेश के 75 जिले में ऐसा कोई जिला नहीं है, खासकर पूर्वांचल में 300 से लेकर 400 हमारे मेंबर लोग हैं। और जनपद मऊ में, मैं जिस जनपद से मैं बिलोंग करता हूँ, उस जनपद में हमारे जो है करीब जो है 842 मेंबर प्रेजेंट टाइम में हैं जी। और क्या कहना चाहेंगे हमारे सुपर फास्ट न्यूज के माध्यम से दर्शकों को क्या बताना चाहेंगे और क्या सहयोग करना चाहेंगे? देखिए, आपके चैनल में से लोगों को यही बताना चाहेंगे कि शिक्षा संबंधी, स्वास्थ्य संबंधी, अगर वीडियो आपके चैनल में कोई देख रहा है तो शिक्षा संबंधी, स्वास्थ्य संबंधी किसी प्रकार की समस्या परेशानी होती है तो हमारे जिला अध्यक्ष, हमारी जो टीम है उनसे संपर्क कर सकता है और उसका लाभ ले सकता है। गरीबों को क्या क्या सुविधाएं आप देते हैं? गरीबों को जो है मैंने जो अभी 1 महीने पहले जो है बीएड में लोगों की एडमिशन नहीं हो रहा था जनपद में, जो काफ़ी जिले में आसपास जिले में सीटें खाली रह गई थी, तो हमने जो है पूरे टीम की मदद से लोगों कई जिलों में जो है एडमिशन भी कराए। यानी जो भी शिक्षा संबंधी, स्वास्थ्य में परेशानी होती है जान तक होता है मदद किया जाता है। किसानों के लिए भी कोई सुविधा है क्या? मैं संस्था की जब से नींव पड़ी एक ही उद्देश्य रहा, शिक्षा स्वास्थ्य और सम्मान को बढ़ावा देना। सामूहिक विवाह पर भी पूछा? नहीं नहीं, मैं सिर्फ आपसे बता दिया शिक्षा स्वास्थ्य और सम्मान की ओर अग्रसर हमारी संस्था, हम इसी 3 चीज पे काम करते हैं और हमेशा करते रहेंगे। हमारे साथ थे सामाजिक वेलफेयर फाउंडेशन के इंद्रेश प्रजापति जी और सामाजिक और स्वास्थ्य शिक्षा विभाग में अच्छा कार्य कर रहे हैं और हम इनके साथ मौजूद